नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और एक खास रिपोर्ट के साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। पुलिस की छवि को लेकर अक्सर लोगों के जहन में गुस्सैल व कड़क लठमार बदसलूकी को लेकर होती है, लेकिन इस वैश्विक महामारी में पुलिस का कुछ चेहरा दूसरा भी देखने को मिल रहा है, जो बेहद मानवीय है, संजीदा है तथा संवेदनशील है। लठमार, गुस्सैल, कड़क व बदसलूकी वाली पुलिस छवि के पीछे की यह तस्वीर यूपी के भदोही जिले की है। यह तस्वीर सुकून पहुंचाने वाली है। सुकून पहुंचाने वाली पुलिस की यह तस्वीर यूपी के भदोही जिले के चौरी की है, जहां लॉकडाउन के दौरान चौरी पुलिस मददगार बनकर सामने आई है। लॉकडाउन में यह खबर रुला देने वाली है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अक्सर पुलिस का नाम सुनते ही लोग नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं, लेकिन जब चौरी की पुलिस को लॉकडाउन में गरीब मजलूम बनवासी बस्ती में मददगार बनकर पहुंची, तो हर कोई पुलिस का यह चेहरा देखकर भावुक उठा। और जब वर्दी में मददगार के लिए बनवासी बस्ती में चौरी का यह दरोगा पहुंचा, तो बस्ती के बच्चे पुलिस को लेकर कहने लगे, माई ऐसन भी पुलिस होथौ का। हम बात कर रहे हैं चौरी पुलिस चौकी इंचार्ज परवीन शेखर की। 21 दिन के लॉकडाउन का आज चौथा दिन है। जब इस बात की जानकारी पुलिस चौकी इंचार्ज परवीन शेखर को हुई कि मुसहर बस्ती में कुछ गरीब मजदूरों को भोजन की जरूरत है, तो वह क्षेत्र के कुछ गणमान्य समाज सेवी की मदद से भोजन का पैकेट लेकर बनवासी बस्ती में पहुंचे। पुलिस चौकी इंचार्ज परवीन शेखर की मदद पाकर बस्ती के गरीब मजदूर योगी सरकार की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। सरकार द्वारा जो 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है, उसका कड़ाई से हम लोग पालन कर रहे हैं। और चौरी के समाज सेविकों के द्वारा जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनको जो है सामग्री लेकर के खाना बनवा के हम दोनों द्वारा खिलाया जा रहा है, और लॉकडाउन का कड़ाई से हम लोग पालन कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक और जहां जिले के ही भदोही शहर कोतवाली पुलिस का एक बाइक सवार बेटी के साथ बदसलूकी की तस्वीर सामने आई, तो वहीं चौरी पुलिस गरीब बनवासी बस्ती के लोगों के लिए मददगार बनकर जनता में पुलिस का भरोसा बढ़ाया है।